सारे तू ही उठाएगा बेटा, मैं नहीं उठ, नहीं काटेगी ना, नहीं काट, चलो अब चल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सुबह के अभी 7:30 हुए हैं। सोरिश को मैं स्कूल छोड़ आई हूँ बस स्टॉप पे, और अभी आ गई हूँ छत पे। पूजा वगैरह हो गई है, कबूतरों को दाना डालने आई हूँ। कबूतर पहले ही देखिए ऊपर मंडराने लग पड़े। तो ये बड़ी बेस्ट प्लेस है दाना डालने के लिए। और कुछ तो था नहीं, ये चावल ही ये डाल देने हैं। चलो मिलते हैं थोरू। अब देखिए इसको मैंने बोलना कि ये दीवार के ऊपर आ, वहां से आ जाएगा। थोरी इधर आओ, ये गुड मॉर्निंग थोरू, गुड मॉर्निंग। उठ गए थोरू, उठ गया, बोलू बाय। और यहाँ पे देखो अभी ये सारे खत्म हो चुके हैं, इसलिए हम इनको पानी नहीं देते अभी। अब ये सारे उतार देने हैं मैंने टमाटर, ये देखो। अभी सुबह सुबह नहीं, बाद में आती हूँ मैं, फिर सारे इनको उतार लेती हूँ। अभी पीते हैं चाय। चाय वगैरह तो होगी है, अभी चलते हैं नाश्ता बनाने की तरफ। तो मैं नीचे से पालक, दूध वाले भाई आ गए, पहले पहले दूध ले लेते हैं। दूध ले लिया, जल्दी से चलते हैं अभी नाश्ता बनाते हैं। तो ये देखिए, ये इतना आटा लिया मैंने, ये सफ़ेद वाला आटा, और ये सारा सामान डाल देना इसके अंदर। तो मैं इसी के बारे में बात कर रही थी कि पालक, धनिया, मेथी, तो हरा प्याज, ये मैं सारा नीचे से तोड़ के रख दिया धो के। और ये देखिए बन गई हमारी रोटी, दूसरी तवे पे है। तो 3 बजे का टाइम हो गया अभी, सॉरी स्कूल से आ चुका है, और सुबह सुबह धूप आई थी। उसके बाद पूरा दिन बादल ही रहे आज, ना तो बारिश आई लेकिन बादल थे और अंधेरा ही रहा। और हम चलते हैं नीचे लॉन में। तो हाथ से काट, उसको सारा काट देना। तो यहाँ पे मेथी कम और घास ज़्यादा उग गई थी, तो अभी वैसे भी सीजन ख़त्म हो रहा, मेथी का घास मेथी दोनों ही उखाड़ दिए मैंने, और मेथी को अभी छांट रही हूँ। तो ये थोड़ी बहुत निकल गई है, बाकी बहुत ही मिक्स हो चुकी थी घास के अंदर, तो वो मैंने निकाली नहीं। ये कूड़ा ज़्यादा है, डस्टबिन में आ नहीं रहा, तो इधर ही रहने दिया इसको। ये भांग का प्यारा सा पौधा लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा अभी शिवरात्रि आ रही है तो ये चढ़ाऊँगी शिव जी को, इसलिए इसको उखाड़ा नहीं। अब बाहर चलते हैं, गली में सोरिश गया बाहर। तो सोरिश को देख रहे थे छोटे पप्पीज, तो जो बहुत सारे थे उधर, इसको तो पहले दिखाई नहीं दिए, तो ये तो यहीं पे लेटा रहता है। अब मैं इसके साथ आई हूँ, तो हम देखते हैं पप्पीज को। ये घर जो न्यू बन रहा है यहाँ पे रहते हैं, तो सोरिश चेक कर रहा है मिलते हैं कि नहीं। सोरिश पप्पी देखने जा रहा अभी। कितने सारे आ गए बाहर, खेलेंगे नहीं वो भी। ओए क्यूटी शे, कितने शाले हो, एक ओए ओए वाइट वाला। तो सोरिश बहुत ही ज्यादा खुश हो गया क्योंकि इतने सारे पप्पीज थे और काफी देर तक खेलता रहा। सोरिश के तो मजे हो गए, इतने सारे पप्पी मिल गए। सुबह से अंदर ही थी, अभी आई हूँ बाहर, और सुबह सुबह जब दाना डाला था कबूतरों को तभी आई थी। अब सोरिश भी आया मेरे साथ। तो इस टाइम सनसेट हो रहा होता है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा आज बादल की वजह से। पंद्रह बंदा हुआ, सोरिश चला गया थोर के पास, तो हम टमाटर तोड़ लेते हैं। अभी टमाटरों का एंड है अभी, क्योंकि बड़ी जल्दी से सूख रहे हैं पत्तियां, और ये सारे पक चुके हैं, इनको तोड़ लेते हैं। ये तो पूरा सूख ही गया।
एक महीना हो गया हम यही टमाटर खा रहे हैं अपने घर से ही। रहने दे इसको, बंद है रहने दे तब तक। चलो आ जाओ आप, देख टमाटर। उसको ले चलो। वही गिर जाएंगे देख। ओ इतनी मेहनत से मैंने जारे तोड़े थे, फिर मेरा मन कर रहा तेरे थप्पड़ मारूं तेरे मुंह पे मैं। सारे उठा, अभी उठा सारे, फट नहीं है। इतनी मुश्किल से सारे मैंने तोड़ के रखे हैं और इतने अच्छे से ऑर्गेनिक टमाटर है ये। इसने देखो कैसे ऊपर उछाले हैं, वो कुछ कुछ फट भी गए हैं। बेवकूफ, अब तू ही उठाएगा। टमाटर ले लो, 10 रुपए के ग्राम। टमाटर ले लो। मैं और सौरिश जा रहे हैं सैर करने के लिए। सौरिश ने बिस्किट डाले हैं लेकिन खा नहीं रही, खाना भी पड़ा उधर इसका। बिस्किट क्यों नहीं खाए, नहीं अच्छे लगे? वो कहाँ से आ रही है? यही है उनकी मम्मा। ये कहाँ से आ रही है? तो ये हमारे घर के आसपास ही रहती है तो हमें बिल्कुल भी नहीं काटती। और ये लेडी जा रही थी तो इन्होंने हमें कहा कि यहाँ पे रुको, मुझे इससे डर लग रहा है, ये काटती है मुझे, इसलिए हम यहाँ पे रुक गए। इन्हें रहती है ना, इसलिए हमें नहीं काटा उसने, हमें नहीं काटती कभी भी, है ना? लोगों को काटती है। सौरिश खेलने लग पड़ा बच्चों के साथ, मैं चलती हूँ अकेली। सैर करके घर आ गए और आज स्ट्रीट लाइट भी ऑन नहीं है। तो ये देखिए अंधेरा हो चुका भी, फिर भी इनके साथ लगा हुआ। अब इसको यही काम होगा, तो इसने कोई स्कूल का काम भी नहीं अभी तक किया, तो खेल के आया और इनके साथ लग पड़ा। सौरिश ने अपने स्कूल का काम कर लिया अभी और ये देखिए क्या कर रहा है। वाव, एक्सरसाइज कर रहा है मुंडा, गुड। सवा आठ का टाइम हो गया, सौरिश को भूख लगी है, ये अभी तक आए नहीं है तो सौरिश को पहले खाना दे देते। तो दाल चावल बन गए हैं, साथ ही साथ में ये बनाई मैंने चटनी इमली की, बहुत ही अच्छी सी है। सौरिश जब तक खाना खाता है मैं चलती हूँ टेरिस पे, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान है उसको रख देती हूँ, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं है। पूरा दिन बादल थे और रात को भी बादल हैं अभी, तो सैर करती हूँ साथ ही साथ थोड़ी देर जब तक ये नहीं आते। अभी तो तारे दिख रहे हैं, कोई कोई तारा है अभी ऊपर, बादल नहीं है और ठंडी हवा चल रही है। वो सामने दिख रही है पीछे आपको लाइट, तो आगे से दिखा। वो देखिए उस घर में शादी है, तो 2-3 दिन के बाद शादी है वहाँ पे, हमें भी बुलाया। कुछ कम करो प्लीज। सौरिश का दूध आ गया और नींद इसको बहुत ज़्यादा आ रही है, 10:30 का टाइम हो गया लेकिन सो नहीं रहा। देखिए टीवी लगा हुआ है इसका, जबरदस्ती बंद करूँगी तो ही जे सोएगा। नींद से भरा पड़ा, आंखें देखो इसकी, देखो देखो देखो, करना मुँह इधर। ओ हो, राम से राम से राम से, देखो एक छोड़ गिर जाएगा। ओ देख, गिरा दिया ड्रेस पे। तो अभी टाइम हो गया 10:45 का, देखो इसको नींद, देखो नींद। अब जबरदस्ती लेके जाना पड़ेगा। तो ये व्लॉग अभी यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट। जोर से बोल, गुड नाइट।